हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सबने बोला था कि बहुत इजी है, बट हार्डली 13% लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया है। सो आप सब बोल तो रहते हो कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट वो इतना इजी नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से जो है आप वेटेज देख सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से वेटेज जो है वो चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप यही वीडियो देख रहे हैं, तरंग एकेडमी उसको देख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारी जो है स्लाइड खुल कर आएंगी। इसमें एक होगा कम्युनिटी टैब। कम्युनिटी टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा चैप्टर वाइज वेटेज, तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। और क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। जब आप न्यू पेज ओपन करेंगे, उस पेज में मैंने सब कुछ दिया हुआ है कि 11th के जो चैप्टर हैं उनका नीट का वेटेज क्या है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से, सिंपल सा कम्युनिटी टैब में जाके, ठीक है। पर उससे पहले हमें वो क्वेश्चन भी देखना है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो उसके आंसर को आप एक बार ज़रूर देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपने जो गलत आंसर लगाया है वो आप राइट कर सको, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उस टाइम पे उसके सामने जो है एक बेल का बटन आता है, उस पर भी गाइस क्लिक कर दिया करिए, बिकॉज मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन से क्या होगा कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो नहीं छूटेगी। उसके बाद सेकेंड थिंग, मैंने ये क्वेश्चन डाला था, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आपको कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा प्रेफर है वीडियो को देखने के, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चार उसके ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। व्हाट इज दिस? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम हैज़ बीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट इट्स एबिलिटी टू डिलीवर डीएनए टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैंसर वैक्सीन। नेक्स्ट है इस्चीरिया कोलाई। इसका फंक्शन क्या होता है? इस्चीरिया कोलाई इट इज़ प्रेफर्ड होस्ट फॉर जीन क्लोनिंग ड्यू टू हाई एफिशिएंसी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू सेल्स। उसके बाद थर्ड है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। इसका क्या वर्क है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रिपोर्टेड इन 1928 आइडेंटिफाइड दैट सम ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल इन न्यूमोकोकल बैक्टीरिया कुड ट्रांसफर दैम फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ठीक है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपका आंसर, वो है न्यूरोस्पोरोक्रिसा। ये क्या होता है? इन 1948 वीडल एंड टेटम प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वन जीन वन एंजाइम किसने दिया था। हाइपोथेसिस इन दिस विच स्टेट्स दैट अ जीन कंट्रोल्स मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू द सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम। सो गाइज, आई होप आपको अब आपका आंसर मिल गया होगा और आगे से आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया है कि वो क्या क्या हैं और किस किस चीज़ से बिलोंग करता है। अगर आप चाहो तो मैं इनकी डिटेल्स अलग तरीके से आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसके लिए मैं